हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 19 लाइव। अंजुमन कॉम शेख सैयद मुगल पठान जिला विकास समिति जोधपुर की ओर से आज निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। आमजन गरीब लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य आयोजित इस शिविर में विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। संस्थान के अब्दुल रहीम शेख ने बताया कि निःशुल्क मेडिकल शिविर का शुभारंभ शहर काजी सैयद आबिद अली ने किया। इस मौके पर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कमेटी के महासचिव निजामुद्दीन खान सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हाउस हाउस में आयोजित निःशुल्क मेडिकल जाँच शिविर में 100 से अधिक मरीजों की जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि संस्थान की ओर से समय समय पर आम जन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में आज निशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां शहर के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की, उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ वितरित करने के साथ ही विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जाँच भी की। इस कैंप का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन साधारण को इसका लाभ मिले और जरूरतमंदों को फायदा मिले, और आगे भी ये समिति कई कैंप करवा चुकी है, करवाती रहेगी और जन हितार्थ की कार्य करती रहेगी। मैं अब्दुल रहीम से जिला महासचिव अंजुमन कॉम सैयद मुगल पठान विकास समिति की तरफ से निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और चर्म रोग के मरीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा आए, और हीमोग्लोबिन के और ब्लड प्रेशर के, शुगर के, ये सभी मरीज़ों को निःशुल्क हमने सुविधाएं दी है और दवाइयाँ भी निःशुल्क हमने वितरित की है। हमें सभी का सहयोग मिला, सभी का मैं हार्दिक आभार करता हूँ, और आगे भी हम इस कैंप को लगाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम हर साल इस कैंप को लगाते हैं और लगाते आ रहे हैं और लगाते रहेंगे। धन्यवाद। नाम अब्दुल करीम लोगी।